पबजी के अंदर बगी बड़ी शानदार है ना यार। भाई साहब बहुत ही जोरदार है गाइस यार, बगी का तो मुकाबला नहीं है ऑफरोडिंग के अंदर। ऑसम है, मजा आ गया यार। अपने पास भी होगी किसी बात कर दी तूने किसी बात। गाइस प्रेजेंट करता हूँ हमारी खुद की बगी। ये है पबजी वाली बगी और ये है हमारी रियल लाइफ पबजी वाली बगी। अबे क्या कर दिया, हाथ में आ गई है स्टीयरिंग अभी गाड़ी की। ओ भाई साहब, जिसको बनाया है हमारे पिंटू भाई ने। तो गाइस पिंटू भाई है जिन्होंने ये कलाकार करके ये चीज बना दी, जादू करा है, पता नहीं क्या करा। कितना समय लगा आपको बनाने में? लगभग 2.5 से 3 महीने का टाइम लगा। तो गाइस आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं 24 आवर चैलेंज ऑन दिस पबजी बगी। तो तैयार हो? तो चलो बिना किसी देरी के चैलेंज की शुरुआत करते हैं। और हाँ, इसी के साथ साथ आपको मैं बगी के बारे में भी बताऊंगा। गाइस यार कैमरा सेट कर लेता हूँ, गाड़ी पे शूट करना है मस्त वाला। और वीरेंद्र नया कैमरा बग्गी अग्गी में घूम रहा है, आजकल पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अबे यार पैसों की क्या टेंशन है जब अपने पास पॉकेट ब्रोकर हो, जहाँ पे आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पैसे अर्न कर सकते हो। वो कैसे? तेरे को नहीं पता? नहीं। चलो मैं बताता हूँ भाई। तो गाइज मैं आपको बता दूं, जो पॉकेट ब्रोकर है भैया वो 2017 के अंदर स्थापित हुआ था, और तो और ये काफ़ी ट्रस्टवर्दी और यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। चलिए काम करता हूँ, ये कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज नीचे है ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, नहीं तो स्क्रीन पर आपको एक QR दिख रहा होगा, आपको उसके थ्रू यहाँ पर रजिस्टर करना है, अपना मेल डालना है, पासवर्ड डालना है, चाहे वो गूगल का हो या फेसबुक का हो, दोनों काम करते हैं। फिर आपको इसमें कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना है, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ मेथड मिल जाएंगे जिससे आप इसमें अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो। फिर इसके बाद आप यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग की जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। और एक चीज बताऊं आपको, जैसे आपने डिपॉजिट करा उसी तरीके से आप यहाँ पे कभी भी कैसे भी विड्रॉल कर सकते हो, वो भी 0% एक्स्ट्रा फी के साथ। है ना कितनी जबरदस्त बात। और यही नहीं, पॉकेट ब्रोकर पे आपको मल्टीपल फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि सुपर फास्ट ट्रांजेक्शन, 5 सेकंड क्विक ट्रेड, 130+ एसेट्स, करेंसी, स्टॉक्स, इंडिसेस, क्रिप्टो पे भी आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। और उसी के साथ ये सबसे पहला प्लेटफॉर्म है जो कि आपको BTC EFT प्रोवाइड करता है विद 92% यील्ड के साथ। और इन नियर फ्यूचर मेरे को पक्का पता है पॉकेट ब्रोकर काफी सारे क्रिप्टो एसेट्स भी इंक्लूड करेगा। और हाँ, कभी भी आप प्रॉब्लम या किसी क्वारी से रिलेटेड कुछ होता है तो यहाँ पे आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट मिलता है। और यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन रिवॉर्ड सिस्टम है जो कि आपको जेम्स और एक्सपीरियंस पॉइंट प्रोवाइड करता है, जो कि आपको हेल्प करते हैं बाय करने में एडिशनल ट्रेडिंग फीचर्स को। ऑल्सो सोशल मीडिया पे पॉकेट ब्रोकर काफी सारे प्रमोशंस भी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप पार्टिसिपेट करके जीत सकते हो काफी सारे प्राइजेस और बोनसेस। तो वेट किस चीज का कर रहे हो? डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, नहीं तो आप इस QR को स्कैन कर सकते हो और मेरा प्रोमो कोड SING60 यूज करना बिल्कुल ही मत भूलना, आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे आपको 60% का बोनस मिलेगा। तो भैया अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करिए। तो चलो अब मैं अपनी बगी के पास फिर से जाता हूं। तो गाइस बिना किसी देरी के भैया हमारी बगी में हम बैठ जाते हैं और इस चैलेंज की शुरुआत करते हैं। गाइस एक चीज मैं आपको बता दूं, भैया हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, आपको पता भी नहीं चला होगा। इधर आओ फिर से दिखाता हूं। अभी अपनी गाड़ी बंद है, अभी मैं इसकी चाबी, ये जो चाबी है इसको इसमें लगाता हूँ और कोई भी इंजन की आवाज नहीं, कुछ भी नहीं, और अपनी बगी चालू हो चुकी है। ये मैंने ब्रेक से पांव उठाया। तो गाइस सच में है ना ये गाड़ी बहुत ही ऑसम। भाई चैलेंज चालू से करने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा इस गाड़ी को बाहर से दिखाना चाहता हूँ। एक बार आप देखो, किस तरीके से इसके सस्पेंशन बना रखे हैं, ATV के टायर्स ही लग रहे हैं, और इसकी स्क्रीन और कंट्रोल्स हैं, ये इसको पावर देता है, और ये भैया चीरती भी निकल जाती है ऑफ रोड ऑन रोड हर एक जगह। बातें बहुत हो गई, अब चला के देखते हैं, असली रिजल्ट तो वहीं पता चलेगा। तो अभी जो टाइम हो रहा है भाई वो 4 बज रहे हैं। लो भाई पकड़ो 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 कैमरा पकड़ो। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। रखती रोकता साइड भी खेल बदले, ऐसे सीधा रखे चार चार ढाल बदले, फिर जिस स्पिनर को घुमा के नोमैडिक चल में। गाइस
वरना मैं आपको उतर के बताऊंगी ये कैसे चलती है यार। भाई सच में बहुत ही औसम है, मजा आया तेरे को। बहुत चंगा ना मैं भाई। यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो ये भैया हाई लो गियर है, तो ये अभी हाई गियर पे थी और अभी ये लो गियर पे जा चुकी है, और ये जो बीच में देख रहे हो ये न्यूट्रल है। तो अभी हम भैया ऑफ रोड जाने वाले हैं, तो इसे लेके चल रहे हैं हम लो गियर पे। चले चलो लेट्स गो गाइस। पबजी में तो मैंने आज तक कभी गाड़ी नहीं फंसाई, बट यहाँ पे मैंने पहली बारी में ही फंसा दी। अरे भाई गाड़ी देखो, मैंने फंसा दी यार। बस हवा निकल गई। 24 घंटे में यहाँ नहीं फंसना चाहता, एक बार देखो गाड़ी किस तरीके से फंस चुकी है। फट रही है इसकी, ये क्या ऑफरोडिंग करेगा। वापस फंसा दे इसने। छे विकार है हम पर। तो उतर मैं रहूंगा इसके अंदर। ओए निकल गया। अरे भैया ये कौन सी जगह लेके जा रहे हो, मेरे से इतना हैवी ड्राइवर नहीं हो आप। आओ आप चला लो, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। स्क्रू ड्राइवर गाइस, कभी भी आज से पहले बग्गी पे ऐसे नहीं बैठा भाई, पलटी मत दिला देना। आगे जुड़ो तो आगे जुड़ो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मेरा तो हलक ऊपर आ गया भाई, ये कैसे चला रहे हो। बहुत ही एक्सट्रीम है यार, देखो कहाँ से आई है, खड्डे में से निकल के आई है, उस खड्डे में से। भाई आई यू रोने। सच में गाइस, अब मैं पिंटू भाई को कैसे बताऊं कि भाई मेरी तो फटके चार हो गई। ये जिन रस्तों से इस गाड़ी को लेकर जा रहे थे वहां पे किसी आम गाड़ी का आना आसान नहीं था। ओरे बाप रे, एक्सट्रीम यार एक्सट्रीम। अभी एक्सट्रीम स्टार्ट नहीं हुआ और एक्सट्रीम जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई साहब जी ने कहते हैं हैवी ड्राइवर, जहाँ पे रास्ता नहीं है वहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं। गाइस अगर यहाँ से इस बग्गी को कुदाया जाए वहाँ पे रोड पे, तो सर लगाते हैं तीनों चारों में क्या मुझे ऑफ रोडिंग करके ट्रैक बताया है ना, सच में बहुत ही औसम है। बट अभी मुझे ये चलानी नहीं आ रही है ढंग से, तो इसे चलाना सीखते हैं फिर है ना, आपको खतरनाक ऑफ रोडिंग दिखाएंगे इस पे। अब समझ में आया पबजी गेम में बगी क्यों भगाते थे, जैसी गेम में दिखती है ना उससे हजार गुना बेटर है रियल लाइफ में। बाकी गाइस जब तक मैं बगी चलाना सीख रहा हूँ, अगर आप भी इस बगी को चलाना चाहते हैं तो भाई डिस्क्रिप्शन में पिंटू भाई के चैनल का लिंक दे रखा है, फटाक से जाके इनको सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए कि भाई मुझे भी ये बगी की राइड लेनी है, तो जरूर आपको ये राइड मिलेगी। खतरनाक तरीके से चला तो रहा हूँ, पर मुझे एक चीज का ध्यान नहीं है कि इसका भैया बैटरी कितना चलता है। भाई बैटरी कितना चलता है इसका, 60 किलोमीटर गाइस। तो गाइस यार सच में ये 24 घंटे बहुत ही कीमती होने वाले हैं, बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। तो एक काम करते हैं अभी भाई भूपेंद्र जी को भी चलाने देते हैं। भूपेंद्र यू वांट टू ड्राइव इट, आराम से चलाना, झटके मत दे देना, तोड़ मत देना हमें। गाइस बैक टू ऑन रोड, भूपेंद्र इसे सड़क पे लेके आ चुका है। क्यों लाया है वैसे मुझे भी नहीं पता। ओ भाई चैलेंज मेरा है, उतर जा। खर्चा कितना बैठा? खर्चा लगभग 2.5 लाख। 2.5 लाख और कुछ कमाया फिर आपने इससे? देखो अभी कमाने की शुरुआत हुई है, अभी कमाएंगे धीरे धीरे। भाई की सोच ये थी कि कुछ हटके यूनिक बनाना है। तो गाइस अभी थोड़ी देर के अंदर जो हमारा सूर्य है वो सेट हो जाएगा, मतलब सन सेट हो जाएगा। तो हम अभी एक लोकेशन पे चल रहे हैं, भाई अपने को लोकेशन पे लेके जाएंगे और वहाँ पे अपन अपना कैंप लगाएंगे। भाई मेरे को तो बगी पे रहना, ये लोग ये महाशय है ना ये कैंप में रहेंगे। और इसमें कितनी पावर है भाई, ये कितने जनों को बैठा सकती है?
ये करीबन ऐसे अगर मेरे जैसे को माने तो हम तो 15 जने तो मतलब इस पे बैठा के चला देंगे। हाँ मेरे जैसे मतलब मेरे जैसे भी। सच में गाइस ये बगी काफी ज्यादा पावरफुल है और आज भाई पूरा पबजी वाला फील आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम भैया मेरा मार के अंदर घूम रहे हो कहीं पे। गाइस सच में ऐसी गाड़ियां दो चार और बना लेवे और डेजर्ट के अंदर चला देवे क्योंकि बाहर से काफी ज्यादा टूरिज्म आता है पुष्कर के अंदर, तो ये गाड़ी सच में रॉक करेगी वहाँ पे। और हकीकत में इसमें जो पावर है ना बहुत ही खतरनाक, सबसे वहाँ पे हटके अलग गाड़ी है। हाँ बहुत ही ज्यादा हटके है ये गाड़ी। मैं और भी खतरनाक जगह पे आ चुका हूँ, एक बार जगह को दिखाओ कितनी खतरनाक है, खड्डे ही खड्डे हैं। और इस जगह पे मैं अब इस गाड़ी को चलाने वाला हूँ। गाइस PUBG में तो बगी को पलटी खिलाना काफी ज्यादा मुश्किल था, बट रियल लाइफ में मुश्किल है या नहीं चलो टेस्ट करते हैं। मारने आने वाले कौन, क्या बोला हूँ, घर का पता तो निकाल। इसके पीछे वाले दो टायर काम करते हैं, आगे के फ्री हैं, बट फिर भी इसमें जो पावर है ना बहुत ही खतरनाक है। मैं गाड़ी चलाते चलाते थक चुका हूँ, अब हिला दे सारे इंचर पंचर, अब आए ड्राइवर जाने दे। क्योंकि मैंने ढंग से कुदाया ही नहीं इसको भाई, मैंने पहले दे दिया हाथ चला। गाइस सच में इस गाड़ी को चलाते चलाते कैसे समय निकल रहा था उसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लग रहा था। ये लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं, इधर सनसेट हो गया बहुत मस्त। अब यहीं पे कहीं पे रुकने की जगह देखते हैं यार, मैं तो टेंट लगाना पड़ेगा। इन सस्पेंशन ने भाई कितने खड्डों से बचाया, बहुत ज्यादा खड्डों से। एक बार देखिए आज पहली बार ना गाड़ी चला के इतना ज्यादा थका हूं। इन भाई लोगों का भी मेरे साथ चैलेंज हो जाता है हर बार, क्यों काकू? हमारी जो स्प्लेंडर है ना वो भी किसी कम ऑफरोडर से कम नहीं है। हमारी स्प्लेंडर किसी ऑफरोडर से कम नहीं है। हाँ यही मैं बोलना चाहता हूँ, यही बोलना चाहता हूँ गाइस में। तो देख लो कहाँ पे आ चुकी है। बाकी यार मैंने आपको मेन चीज तो दिखाई नहीं, इसकी चाबी। इसकी चाबी देखो लॉक अनलॉक पता नहीं काम भी करता होगा या नहीं करता होगा। अरे वाह करता 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 है, बट ये लॉक कहाँ से, इसके तो दरवाजे ही नहीं है। ओए इसके तो दरवाजे ही नहीं है गाइस, ना इसकी खिड़की है ना इसके दरवाजे, तो ये लॉक और अनलॉक किस चीज के काम आ रहा है? मोटर अनलॉक लॉक का होगा। Oh my God, guys इसमें तो पुलिस वाली लाइट लगी हुई है, मस्त लग रही है, रात को चला के चलेंगे। बैटरी लेके आ गए, उनको पता था एक बैटरी डाउन होने वाली है। एक लाइक तो बनता है पिंटू भाई और उनकी टीम के लिए। तो गाइज अभी भैया गाड़ी की बैटरियां चेंज हो रही है, भैया दो बैटरी नई लेके आ चुके हैं। और ये कुछ इस टाइप का कनेक्शन है गाड़ी के अंदर, ये कुछ प्लग्स हैं। यहाँ पे तो पूरा वो रखा हुआ है डीपी टाइप का, क्या कहते हैं इसे, एमसी रखी है फ्यूज। गाइस हमने इधर तंबू लगा लिए दोनों, इसके अंदर हम रुकेंगे और बाकी वीरेंद्र उधर बैठा है, अभी हम जाएंगे खाना खाने। लेट्स गो गाइस, भाई जंगलों से होते हुए जा रहे हैं हम। फाइनली हम ढाबे पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम सनसेट होटल है, सॉरी मेरी गलती। गाइस देखो क्या आया है, वाओ मेन्यू आ गया गाइस, मेन्यू देखो, मेन्यू को पहले ही खा रखा है। तो अब अपन क्या खाएंगे इसमें, आलू छोले, आलू टमाटर, आलू पालक, आलू मटर, आलू गोभी, आलू करी, सेव टमाटर, पनीर भुज्जी, पनीर कढ़ाई, पनीर तूफानी, पराठा, आलू पराठा, पनीर पराठा, ऑनियन पराठा, गोभी पराठा। क्या खाना चाहोगे भैया? यू वांट अ सेम टमाटर? गाइस मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें से क्या मंगाना चाहिए भाई। मैं तो कह रहा हूँ जो सबसे फ्रेश बन जाए मैंने वो चीज मंगा, सबसे फ्रेश तो सेम टमाटर बन सकते हैं इसमें। तो गाइस जब तक हमारा ऑर्डर बन रहा था तब तक हमने करा इंतजार। मजा आ गया भाई। गाइस यार खाना भाई एक नंबर था, मस्त है ना खाना भाई। ये होटल है सनसेट, नाम है सनसेट, जोरदार खाना, कभी आओ तो खा के जाना। चलो हाथ धोते हैं, अब हाथ कैसे धोऊं यार। तो गाइस चलते हैं, ये भी चलेगी हमारे साथ, तू भी चलेगी हमारे साथ, बैठ जा आजा, पीछे आजा, कम ऑन ब्रो,
अरे नोटी हो रहा है के चलने दे गाड़ी को भैया, एनर्जी फुल हो गई है, अभी चलाने में आएगा मजा। रात को राउंड मारेंगे अपन 1 बजे, रात को 1 बजे है ना भैया, जंगलों में राउंड मारेंगे अपन इस गाड़ी के साथ। चलो बचा लिया मेरे ओ माय गॉड, खाना लेके आ गए आपके लिए आपके भैया, आपके बड़े भैया के ये पाउन छू, चलो खाना लेके आ गए। तो अभी हाईवे से एक बहुत ही तेज स्किड खाने की आवाज आती है, और उस तरफ दूर आदमी काफी सारे इकट्ठा हो चुके हैं, पता नहीं क्या हुआ है ऐसा, क्या नहीं हुआ है। गाइस 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 गाइस, यार एक सीन हो गया हमारे साथ, पकड़ियो ये हो गई है भाई। भाई ये क्या है, हमारी गाड़ी की स्टीयरिंग टूट गई। देखते हैं गाइस अब सही हो जाएगी शायद, तक हाथ में आ गई है स्टीयरिंग अभी गाड़ी की। गाइस फाइनली रिपेयर्ड हो गई है, घुमाना आप जरा। देखो भाई का ये चैनल है स्मार्ट ऑटो एडवाइस, इस पे देखो कितनी खतरनाक खतरनाक ऑफ रोडिंग करते हैं ये, बहुत ही जोरदार जोरदार ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन वीडियो है इसमें। तो गाइस काफी देर तक पिंटू भाई से बात करी, पिंटू भाई टाइम कितना हो रहा है, ये हो गया 11:15, तो सुबह मिलते हैं आपसे। ओके गाइस, बिजली अभी कड़क रही है पता नहीं कैसे, मौसम मुझे खराब होने वाला है जैसे लग रहा है, जैसे बारिश हो सकती है। चल रहे हो क्या सुरेश जी, 12 बजने वाले हैं, रात की अंधेरी राइड, गोस्ट राइड। लोग काफी लोग कहते हैं कि वीरेंद्र भैया रात के 12 बजे जंगल में घूमो, तो आज कर देते हैं उनकी मन्नत पूरी। चल रहे हो, आ रहे हो? गाइस मैंने सोचा था कि ये राइड मैं अकेला करने वाला हूँ, बट मेरे साथ मेरे एक साथी जुड़ चुके हैं। 4 बजे चैलेंज चालू करा था, तब से अब ये पहला पानी जा रहा है मेरे शरीर में, 2 बूंद जिंदगी की पी ली मैंने। गाइस राइट नाउ अंधेरा देख सकते हो कितना ज्यादा हो चुका है, यही चीज का मेरे को भी डर लग रहा था कि जंगल है, जंगल में कुछ ना कुछ खतरा हो सकता है। तो गाइस हमने डिसाइड करा कि सबसे पहले हम माउंटेन ड्यू लेंगे, क्योंकि भाई डर के आगे जीत है। हाँ ये बात भी सही है गाइस, इस सुनसान रस्तों पे कोई चलता नहीं है इतनी रात के टाइम, बट हम चल रहे हैं, तो भैया हो ही सकता है कुछ ना कुछ। अंधेरा इतना हो चुका था कि सब लोग सो चुके थे, और जो जगे हुए थे भैया उनकी हालत नहीं कर रही थी कि वो अपने बिस्तर से बाहर निकले, क्या पता हमें माउंटेन ड्यू मिलेगी भी या नहीं। घुमाओ गाड़ी घुमाओ, वीडियो के अंदर ऐसे लग रही जैसे जैसी भी हो। 12 बजे भी चल रहा है। तो गाइस फाइनली हमें माउंटेन ड्यू मिल गई है, और डर के आगे जीत हुई है हमारी, लो पकड़ो। हम तो वैसे जीते और जैसे ही हम माउंटेन ड्यू लेके निकल रहे थे हमारी गाड़ी के साथ कुछ ऐसा हुआ। ये हो गया, गाड़ी बंद हो गई गाइस, सच में अभी चलेगी। क्या हो गया, व्हाट हैपेंड ब्रो, कभी होता है बंद हो जाती है। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या हो गया, इसको भी सर्दी लग गई है, बैटरी का दाता नहीं छूट गया। गाइस रिपेयर रिपेयर गाड़ी रिपेयर, कार बना गया था गाड़ी के, उसमें चल गई फिर से। चलो 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 भाई, मेरे में ही खोट है, ये गाड़ी है ना वरना बहुत जोरदार चलती है, मेरे में ही दिक्कत है कुछ। गाड़ी रिपेयर होते ही हम फिर से निकल गए आगे जंगल को एक्सप्लोर करने। अपन किधर जा रहे हैं, चलने दे जिधर रास्ता ले जाएगा चलेंगे अपन, उधर क्या दिक्कत है, अरे अभी चल दे चल दे। यार ये रास्ता ऐसा है इसको कहीं मार के पड़ जाए ना कोई, इधर आगे कोई रास्ता नहीं है गाइस, आगे तो भाई ये खाई है। एक काम करते हैं लो में डालते हैं इसको, अब चलाते हैं। बैग 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 बैग, ये तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार, जाने दो 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 जाने दो, बस 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 पीछे हुआ है। और तभी गाइस जब हम गाड़ी बैक लेके वापस आगे की तरफ डाल रहे होते हैं तभी ये फिर से बंद हो जाती है। ये ले, हो गया फिर से काम तेरा, ये
क्या हो रहा है इसमें? फिर से कार्बन शायद। पता नहीं गाइस फिर से बंद हो गई, ये दूसरी बार बंद हुई है ऐसे। गाइस सच में हम इसे पूरे दिन भर रगड़ रहे थे बट पूरे दिन में ये एक बार भी बंद नहीं हुई। बट रात को ये कैसे हो रही है कुछ समझ में नहीं। सड़क देखो गाइस बहुत ही जोरदार, यहाँ पे बहुत ही भारी भारी ट्रैक्टर आते हैं शायद तक, पर इसके लिए बढ़िया है ये सड़क, बहुत ही औसम और इजीली चल रही है। आगे काटे हैं? ओ नो, ब्लॉक्ड है आगे रास्ता। गाइस आगे तो रास्ता ही बंद है यार, रास्ता बंद है तो नो सर्चिंग फॉर भूत्स, आगे की तरफ वापस बैक चलते हैं। गाइस पता नहीं क्यों जंगल के अंदर जाने वाले सारे रास्तों को यहाँ पे ब्लॉक करा गया था, बट फिर भी हमने हार नहीं मानी और दूसरे रास्ते की तलाश में निकल गए। आगे देखो सुरी जी, ये क्या पड़ा है? बरी गाय है भाई, जंगल के अंदर यही मिलेगा बरी गाय, ये देख लो भाई साहब, इसका तो बहुत ही सीन खराब कर रखा है, धूम आ रही है बहुत तेज, इधर से भी रास्ता ब्लॉक लग रहा है गाइस। हमें भूत तो नहीं मिला गाइस, ये लोग तो सो रहे हैं, अब मैं भी सोने लगता बंद। गाइस बहुत तेज हवा चल रही है यार, सच में बहुत तेज, हवा से भूत वाला भाई बारह से। गाइस फाइनली सुबह हो चुकी है। ओ भाई साहब गुड मॉर्निंग, मेरे पीछे सूर्य उदय हो रहा है, अच्छे से धूप निकलने देते हैं फिर आपको मिलता है। तो गाइस सुबह उठते ही हम निकल गए मॉर्निंग राइड पे, जिसमें हमने करा इसका पावर टेस्ट। ये देखो पावर, देखो भाई पावर, इस बाहुबली का पावर देखो भाई, पावर देखो गाइस। और भाई इन्होंने तो मेरी बैंड ही बजा दी, रेडी कर दी, हालत खराब। अबे यार करने दो ना मेरे को 24 घंटे का चैलेंज पूरा। फिर करे कैंप्स को पैक, फिर हम निकल गए पिंटू भाई की दिखाई हुई एक्सट्रीम ऑफ रोड लोकेशन का एक्सपीरियंस लेने। अबे गू है, पोइटा नहीं, गू है गू, अबे गू है, अबे गू से दूर चला, मैं कर गू चल रहा है इससे, गू चल रहा है, देख देख गू चल रहा है से। उधर कुछ ला, देख। गाइस, बच्चों का खेल हमने खूब कर लिया है, अभी प्रो लेवल की बारी है। चलाओ। ओ भाई साहब, मजा आ गया। बस ये बोलने के बाद मैंने इनको कह दिया भाई अगली बार से बिल्कुल मत करना। सच में गाइस आज से पहले मैंने घर पे बनी हुई इतनी मजबूत और सक्षम गाड़ी नहीं देखी, सच में ये काफी ज्यादा बेहतरीन है और अच्छे तरीके से चल रही है। ओ भाई साहब क्या चढ़ी है गाड़ी, टायर उड़ गया। फिर गाइस पिंटू भाई ने जो चीज़ें करी सेम उसी चीज़ को मैंने रेप्लिका करने की कोशिश करी और फिर मुझसे ये एक्सीडेंट हो गया। गाइस चलाते चलाते भाई ने अबे क्या कर दिया भाई, यार सॉरी यार भाई, यार जो गलती हुई उसका मैं मुआवजा कर दूंगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने ठोक दी, गलती हो गई, माफ़ी कर दो मुझे प्लीज़। नूब ड्राइवर अब से आती ना होगी, आप तो बाहर ले चलो यार। चलो ठीक है। तो गाइस फाइनली ये जो मेरा चैलेंज है भैया कंप्लीट होता है टाइम के साथ साथ, तो आई होप आपको ये मजा आया होगा इस वीडियो के अंदर। बाकी भाई पिंटू भाई ने जिसने इन गाड़ी को बनाया है बहुत ही बेहतरीन थी, मजा आ गया भैया, नेक्स्ट लेवल ड्राइवर, हाँ मजा आ गया भैया, मजा आ गया। और अभी जो टाइम हो रहा है इतना हो रहा है, ओके बाय बाय, हम मिलते हैं आपको ऐसी ऐसी वीडियो के अंदर, बाय बाय।